उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम के तहत रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आलिया हैदर ने बताया कि जनपद में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी से 26 जनवरी तक मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में प्रशासन से निर्देश मिला था कि स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए, जिसको देखते हुए मंगलवार को वॉलीबॉल प्रतियोगिता व कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। गुरुवार को 26 जनवरी के अवसर पर साइकिल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक क्रिकेट मैच भी होगा तथा सभी विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कबड्डी एसोसिएशन के सचिव प्रभात कुमार पांडे व क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी आले हैदर ने कहा, श्रद्धा रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश को बनाए रखेंगे वह निष्पक्ष एवं शांति जाति भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से बचे हुए बिना संघर्ष। धन्यवाद। पैसा दे देते हैं, पैसा देने तो ठीक है। निकलो भाई जी। प्रभात कुमार पांडे, सचिव जिला कबड्डी एसोसिएशन गोरखपुर। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता बालिकाओं का गोरखपुर स्टेडियम में रखा गया है और ये आज कुल 5-6 टीमें आनी हैं। अब मैच शुरू होने जा रहा है और इसमें स्टेट स्तर की लड़कियां खेलती हैं, जो हमारी स्टेट टूर्नामेंट खेलती हैं वो भी लड़कियां इसमें हैं। अच्छा मैच होगा और कबड्डी खेल के विकास के लिए बहुत अच्छा कदम है। उत्तर प्रदेश दिवस जो कि 24 से और 26 तारीख तक मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में निर्देश मिले हैं कि स्टेडियम में खेलकूद का आयोजन किया जाए। कल हमारा वॉलीबॉल हुआ था और आज कबड्डी बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और कल 26 जनवरी को साइकिल दौड़ होगी और इसके साथ ही साथ एक क्रिकेट मैच भी होगा। तो ये इन खेलों का आयोजन इस उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जो खिलाड़ी विजेता उपविजेता होंगे उन सबको खेल विभाग द्वारा पुरस्कार दिए जा रहे हैं।